हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर और उसके सिंथेसिस के बारे में, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन से। कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव्ड लिपिड होता है और ये एक तरीके का एनिमल स्टेरॉल है। ये देखने में एक फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस के जैसा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C27H46 और O है। ये विटामिन डी, स्टेरॉयड हार्मोन और बाइल एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए एज अ प्रिकर्सर भी वर्क करता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर दो सोर्स से आता है। फर्स्ट जो फूड हम खाते हैं उससे, और सेकंड लीवर। लीवर मोस्टली हमारे बॉडी की जो भी कोलेस्ट्रॉल की नीड है वो कंप्लीट कर देता है। लीवर के अलावा कोलेस्ट्रॉल अदर ऑर्गन्स में भी सिंथेसिस होता है, जैसे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन स्केलेटन पाया जाता है, जिसे हम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 3-6 मेंबर रिंग पाई जाती है और 1-5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल की। इसके अंदर आपको 27 कार्बन दिखे होंगे और ये किस तरीके से अरेंज है आप देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर 3-6 मेंबर रिंग है और 1-5 मेंबर रिंग है, जिसे हमने साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन के नाम से जाना था। इसके अंदर 3 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और 5 और 6 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर। अब हम इसके सिंथेसिस के बारे में जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करवाने के लिए सबसे पहले हम ब्यूटाडाइन के साथ में 4-methoxy-2,5-toluquinone का कंडेंसेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस आइसोमर मिलेगा। अब हम इस सिस आइसोमर को आइसोमराइज करवाकर ट्रांस आइसोमर में चेंज करेंगे, जिसके लिए इसे सबसे पहले हम एल्कलाई सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करेंगे और उसके बाद में इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे। अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्रांस आइसोमर होगा। अब हम इस ट्रांस आइसोमर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ में ट्रीट करवाएंगे, जिसके कारण जो ट्रांस आइसोमर के अंदर ये ऑक्सीजन लगा था, अब इसके जो प्लेस पर OH ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। और इसके साथ में फिर जब हम इस कंपाउंड का वापस से हाइड्रोलाइसिस करवाकर आइसोमराइजेशन करवाएंगे, तो इसके अंदर जो ये OH ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन है वो रह जाएगा और यहाँ से CH3 है वो रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट का जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, जिंक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर OH की जगह अब एसिटिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। जब हम इसका वापस से क्लेजन कंडेंसेशन करवाएंगे इथाइल फॉर्मेट और सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम हाइड्रोक्सी मिथाइलिन कीटोन के नाम से जानते हैं। अब इस हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन का माइकल कंडेंसेशन करवाएंगे इथाइल विनाइल कीटोन और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो चैन है ये बनी है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस चैन का हम रिंग फॉर्मेशन करवा देंगे और इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। उस प्रोडक्ट का हमने साइक्लाइजेशन करवाया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस के अंदर, और साथ में हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर जो पहले चैन दिखाई दे रही थी वो अब एक रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इस प्रोडक्ट का वापस से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में ट्रीट करवाएंगे, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अंदर जो ये डबल बॉन्ड है ये रिमूव हो गया और यहाँ के दोनों तरफ है वो OH जुड़ चुके हैं। अब इसके अंदर वापस से हम इसके एसीटोन के साथ में ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट CuSO4, जिसकी वजह से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम आइसोप्रोपिलिडीन डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। अब हम इस आइसोप्रोपिलिडीन डेरिवेटिव का सिलेक्टिव रिडक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से जो ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। इसका जो सिलेक्टिव रिडक्शन है वो हम हाइड्रोजन और पैरेडियम या फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में करवाएंगे। फिर वापस से जब हम इस प्रोडक्ट का कंडेंसेट करवाते हैं इथाइल फॉर्मेट और सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। अब हम इस प्रोडक्ट का वापस से रिएक्ट करवाएंगे मिथाइल एनिलीन के द्वारा। अब इसके एनिलीन के अंदर जो ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो CHOH के साथ में ये जो OH ग्रुप जुड़ा है वो, ये दोनों मिलकर आपस के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और ये जो मिथाइल एनिलीन है ये हमने यूज़ किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये यूज़ किया है, ताकि जो रिएक्शन है वो यहाँ पर ना होकर इस जगह हो, क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्शन करवानी थी, इसलिए हमने क्या किया
करके जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव था जो कार्बोनिल ग्रुप उसे हमने प्रोटेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इस तरीके की, जब हमने इसके मेथिल एनिलीन के साथ में ट्रीट करवाया तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिला। फिर इसका जब हम वाइनिल साइनाइड और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, मतलब ये प्रोडक्ट डी और एल फॉर्म के अंदर दोनों में एक साथ प्रेजेंट होता है। जब हम इस प्रोडक्ट का वापस से रिडक्शन करवाएंगे, सबसे पहले हम इसे ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में और उसके बाद में हम इसे ट्रीट कर देंगे सोडियम एसिटेट के साथ में, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम इसको ट्रीट करवाएंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में जो कि एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो हमें कुछ इस तरीके का वापस से प्रोडक्ट मिलेगा। और अब हम इसको यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो रिंग है वो ओपन है, अब हम इसको पूरी तरीके से इसका साइक्लाइजेशन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो अब ये जो रिंग है वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुकी है। अब हम वापस से इस कंपाउंड का पर आयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सिन और फिर हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। करेंगे बेंजीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पिपरिडीन, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ये ओपन आपको रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है और एक 5 मेंबर रिंग बना लेती है। इसके बाद में इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाने पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा। अब हम इसका क्या करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन और प्लैटिनम के प्रेजेंस में और फिर इसके बाद में इसका आइसोमराइजेशन करवा देंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वो ऑक्सीजन की जगह अब OH ग्रुप देखने को मिल रहा है और इस तरीके से हमें यहाँ पर जो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा था वो इसमें रिमूव हो चुका है और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो भी इस स्ट्रक्चर में रिमूव हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी है वो रिमूव हो चुका है इसका डबल बॉन्ड, तो अब हम देखेंगे कि इसका कैटालिटिक रिडक्शन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ओपनर ऑक्सीडेशन करवाएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में और ट्राई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में, तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। अब हम इस कंपाउंड को वापस से सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में ट्रीट करेंगे और देन उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद में जब हम इस कंपाउंड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में उसके बाद में थायनिल क्लोराइड और उसके बाद में डाइमेथिल कैडमियम के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब इसके इस प्रोडक्ट के साथ में हम आइसो हेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में इसको ट्रीट करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का वापस से कंपाउंड देखने को मिलता है। अब हम इस कंपाउंड को हील करेंगे जिसकी वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH यहाँ पर जो था पहले वाले कंपाउंड में वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर अब हम इसका कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हाइड्रोजन प्लैटिनम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसे हम कोलेस्टेनॉल कहते हैं। अब इस कोलेस्टेनॉल को हम सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब हम इसका वापस से ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाने पर कुछ इस तरीके से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और फिर इस कंपाउंड का वापस से हम पिरिडीन के प्रेजेंस के अंदर ट्रीट करेंगे तो हमें इस तरीके से एक कंपाउंड मिलता है। अब वापस से इस कंपाउंड को जब हम एसिटिक क्लोराइड के साथ में और फिर एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में ट्रीट करेंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेता है। कंपाउंड को ट्रीट करने पर पहले लिथियम एल्यूमिनियम के साथ में ट्रीट करेंगे और उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो ये था कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर सिंथेसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।